ईडी को सुप्रीम कोर्ट की फटकार और कह दिया है कि अब किया परेशान तो अच्छा नहीं होगा। जी हाँ, थंबनेल आपने देखा होगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा बता दूं वीडियो के बारे में। जब से सीजेआई साहब ने देश का कार्यभार संभाला है, मुख्य न्यायाधीश का सुप्रीम कोर्ट का, तब से सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या अन्य ट्रायल कोर्ट्स हों, वो अपने जो फैसले थे वो लंबे समय से जो जनता चाह रही थी, न्याय के फैसले जो कहीं ना कहीं डिले हो रहे थे, कहीं ना कहीं रुक रहे थे, वो फैसले जारी होना शुरू हुए हैं। देश की सारी अदालतों ने अच्छे और जनता के हित के जो कानूनी लीगल जो फैसले हैं वो कानूनी रूप से निष्पक्ष फैसले देना शुरू किया है, और ये सीजेआई साहब की ही देन है कि न्यायपालिका में एक नई जान पड़ गई है। इधर आप लोग देख रहे हैं कि चुनाव चल रहा है और चुनाव में किस प्रकार आरोप और प्रत्यारोपों का दौर चल रहा है। इधर बीजेपी और मोदी जी कह रहे हैं कि वो तीसरा कार्यकाल पूरा करेंगे, वो 400 पार करेंगे, और इधर विपक्ष जो है वो कह रहा है कि हम मोदी जी की सरकार को नहीं बनने देंगे, इस बार अपनी सरकार बनाएंगे। नतीजे जो भी होंगे उनसे आपको अपडेट कराएंगे नतीजे आने के बाद। अभी चुनाव का समय है। तो आपने ये भी देखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो हैं अरविंद केजरीवाल, दिल्ली से उन्होंने सरकार चलाई, हार नहीं मानी, इस्तीफा नहीं दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने उनको इंटरिम बेल दी 1 महीने की, और ये कहा कि आप अपने चुनाव का प्रचार कर सकते हैं। ये एक स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है। ये सीजीआई और सुप्रीम कोर्ट का ही कमाल है कि उनको इस तरीके से इंटरिम बेल दी गई। हालांकि ईडी ने उनका बहुत विरोध किया और ईडी ने ये भी कहा कि ये कोई उनका मौलिक अधिकार नहीं है कि वो चुनाव का प्रचार करेंगे, इसके लिए उनको बेल नहीं दी जा सकती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी उनको बेल दी, क्योंकि देश की जो सबसे बड़ी कोर्ट है यानी कि सुप्रीम कोर्ट और उसके सबसे बड़े जो न्यायाधीश हैं यानी कि सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ साहब, जब तक वो सीजीआई हैं तब तक आप उनसे या सुप्रीम कोर्ट से किसी भी कोर्ट से ऐसे फैसले की उम्मीद कर सकते हैं जो न्याय संगत हो, निष्पक्ष हो। तो सीजीआई साहब के इस फैसले का स्वागत। आप लोग देख रहे हैं कि सूरत में जो चुनाव हुआ वहाँ पर एक तरफा जो जीत मिली, पर्चा जो खारिज हुआ कांग्रेस प्रत्याशी का, भाजपा की पहली वहाँ जीत मिली। इसके बाद इंदौर में आपने देखा कि वहाँ भी भाजपा के प्रत्याशी जीते। सब कुछ चल रहा है, सब कुछ जो चल रहा है इसके बीच में एक बहुत बड़ा झटका ईडी के लिए, एक बहुत बड़ी खबर ईडी के लिए और बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट का आदेश ईडी के लिए। ईडी को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि अनावश्यक रूप से आप किसी को परेशान नहीं कर सकते। ईडी को फटकार लगाई है और मामला क्या है मैं आपको थोड़ा इसको ब्रीफ कर देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाई है और खुले शब्दों में कह दिया है कि आप अनावश्यक रूप से किसी को परेशान नहीं कर सकते। आपको याद होगा साथियों कि पिछले दिनों हमने बताया था, वीडियो जारी किए थे अपने यूट्यूब चैनल पर ही, और बताया था कि तमिलनाडु में जो खनन का मामला हुआ वहाँ पर जो जिला कलेक्टर थे यानी कि जो डीएम थे, उन 10 डीएम को ईडी ने नोटिस दिया, उन डीएम को तलब किया, और उन डीएम को जब तलब किया तो वो चले गए थे हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से जाने के बाद जो है तमाम इस मामले में उठापटक हुई कि ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हाई कोर्ट जब वो गए उसके बाद आप सब लोगों को पता है कि क्या हुआ था उसी मामले में। ये जो आज का जो वीडियो है उसी मामले में है। तो पिछले दिनों जो हमने बताया कि तमिलनाडु खनन मामले में जिला कलेक्टर को नोटिस जारी कर तलब किया गया था, डीएम कोर्ट गए, उस मामले में नया मोड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, इनकी अध्यक्षता वाली एक पीठ है, उस पीठ ने जो इस मामले की सुनवाई कर रही है बहुत ही शानदार, बहुत ही एक अच्छा आदेश दिया है। और राज्य की ओर से कपिल सिब्बल यानी कि तमिलनाडु राज्य की ओर से कपिल सिब्बल वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो उस मामले की पैरवी कर रहे हैं। ईडी के वकील जो हैं उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टरों ने जो उनको समन जारी हुआ और उनसे जानकारी जो मांगी गई, हमें इसके लिए राज्य सरकार की जो विरोध था उसका भी सामना करना पड़ा, लेकिन इन जिला कलेक्टरों ने वो जानकारी हमको नहीं दी। इस पर जो कपिल सिब्बल साहब हैं उन्होंने कहा कि ये जो बात कह रहे हैं बिल्कुल गलत कह रहे हैं, इनको पूरी जानकारी दी गई, जो उनसे चाहा, जो भी डीएम जो जिला कलेक्टर थे उनके पास जो भी जानकारी मौजूद थी वो उनको उपलब्ध कराई गई। अनावश्यक रूप से परेशान करने की नीयत से, उत्पीड़न करने की नीयत से इन जिला कलेक्टरों को यानी कि जो डीएम हैं उनको परेशान किया जा रहा है। तो इस पर जो है ईडी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की जो पीठ है, खंडपीठ है, उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में जो आदेश दिया वो आदेश बहुत शानदार कहेंगे और ईडी के लिए कहेंगे कि सख्त हिदायत है। एक लक्ष्मण रेखा बेला एम त्रिवेदी ने खींच दी है ईडी के लिए। जो सुप्रीम कोर्ट की पीठ है उसने आदेश दिया है कि आप यानी कि ईडी ऐसा नहीं कर सकते, आप उनको अनावश्यक रूप से परेशान ना करें। मामला साफ है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप उनको अनावश्यक रूप से परेशान ना करें,
यानी कि सुप्रीम कोर्ट भी जानता है कि ईडी कहीं ना कहीं मिसयूज ऑफ पावर्स कर रही है और जो परेशान उनको किया जा रहा है, जो ऐसा आरोप है तो कहीं ना कहीं उनको परेशान भी ईडी कर रही है। हालांकि अभी आदेश इसमें अंतिम नहीं आया है, आदेश आना बाकी है। इस मामले की, इस केस की जो लिस्टिंग है यानी अगली सुनवाई जो है वो गर्मियों की यानी कि जून की छुट्टी के बाद इस मामले को रखा गया है। जब भी जून की छुट्टियों के बाद जब सुप्रीम कोर्ट खुलेगा तब इस मामले की अगली सुनवाई होगी। और इस अगली सुनवाई में जो ईडी है उससे कहा गया है कि इन छुट्टियों में आप अपनी तरफ से एफिडेविट दाखिल करें और उसमें बताएं, लिखित रूप में उसमें दें कि ऐसी कौन सी जानकारी थी, ऐसी कौन सी सूचनाएं थी जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने उपलब्ध नहीं कराई हैं, उन्हें आप लिखित रूप में सुप्रीम कोर्ट में बताएं कि एफिडेविट पर बताएं कि वो क्या था जो आपने उनसे मांगा, जो जानकारी सूचनाएं उनसे मांगी गई और उन्होंने वो उपलब्ध नहीं कराई हैं, यानी कि जो प्रपत्र मांगे गए वो प्रपत्र उपलब्ध नहीं कराए। तो आपने इस पूरे आदेश को मैंने बताया नटशेल में, आपने देखा सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है, बहुत बेहतरीन आदेश है। ईडी जो काम कर रही है, तमाम जो राजनीतिक दल हैं, विपक्षी दल हैं, उनका आरोप रहता है कि ईडी जो है वो राजनीतिक विद्वेष जो सरकार का है, दूसरे विपक्षी दलों का ये आरोप है कि सरकार जो है विपक्षी दलों का उत्पीड़न कर रही है और लगातार ईडी का दुरुपयोग कर रही है। सरकार ईडी का इतना ज़्यादा दुरुपयोग कर रही है कि विपक्षी नेताओं का चुनाव लड़ना मुश्किल हो गया है। विपक्षी नेता जो है, चाहे वो मुख्यमंत्री हों चाहे वो कोई भी हों, उनको, मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को, विधायकों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है, पूरे लोकतंत्र की हत्या करी जा रही है। राहुल गांधी कई बार अपने मंचों से, खुले मंचों से कह चुके हैं और तमाम बड़े दिग्गज नेता तमाम पार्टियों के इस बात को कह चुके हैं कि ईडी का दुरुपयोग सरकार कर रही है। तो ईडी पर दुरुपयोग के जो आरोप लगातार लग रहे हैं, और लगातार हमारे कई वीडियोज में आपने देखा होगा, हमने ऑर्डर्स को बताया है कि सुप्रीम कोर्ट लगातार ईडी को हिदायत जारी करता है, कभी हाईकोर्ट उनको हिदायत जारी करता है, कभी उनको एक लक्ष्मण रेखा खींची जाती है कि आप ये नहीं करेंगे, कभी उनसे कहा जाता है कि आप ज़्यादा कर रहे हैं, इतना नहीं कर सकते, कभी उनसे कहा जाता है कि आप इसको, काम को अभी रोकिए, अभी इस उत्पीड़न को बंद करिए। तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें जो हैं आप उनको अगर एक क्रम में, एक चैन में आप जोड़ कर देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो आजकल जो हो रहा है तो इससे लगता है कि ईडी जो है शायद अपनी लक्ष्मण रेखा को पार कर रही है। और जस्टिस बेला एम द्रिवेदी की पीठ का जो आदेश है, जो उन्होंने कहा है कि आप जो है किसी भी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं कर सकते हैं, इसका बहुत व्यापक, बहुत ही इसके मायने आप निकाल सकते हैं, क्योंकि बेशक ये मामला तमिलनाडु के खनन मामले के मामले में जुड़े जो जिला कलेक्टर हैं उनको उनको राहत देने के लिए आदेश दिया गया है, लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट, जो शब्दों का इस्तेमाल किया है वो ये है कि आप किसी को भी अनावश्यक रूप से परेशान नहीं कर सकते। यानी केवल ये आदेश जो है वो जिलाधिकारियों तक ही संबंधित नहीं है, जितने विपक्षी दल हैं, देश के प्रत्येक व्यक्ति को इससे राहत मिलने की संभावना है, तमाम नेताओं को, तमाम अधिकारियों को, तमाम सामान्य नागरिकों को, जो भी ईडी की जद में है, जो भी जिनको लगता है कि ईडी उन्हें परेशान करेगी या कोई भी ऐसी एजेंसी उनको परेशान कर सकती है, अनावश्यक रूप से उनको परेशान कर सकती है, उन पर दबाव बना सकती है, उनको ये राहत भरी खबर है। ईडी को जो हिदायत दी सुप्रीम कोर्ट ने, उसके व्यापक परिणाम जो है निकल कर आएंगे। और ईडी और ऐसी जो संस्थाएं हैं जो केंद्र के अधीन हैं या राज्य के अधीन हैं, उनको ये सीखना होगा, उनको ये समझना होगा कि जो जनता के हित होते हैं वो सर्वोपरि होते हैं, और जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनको आप इस तरीके से किसी भी सरकार के कहने पर उनको परेशान नहीं कर सकते, उनको आप इस तरीके से अनावश्यक रूप से परेशान नहीं कर सकते। इस आदेश के मायने बहुत हैं, आने वाले समय में आपको दिखाई देगा कि तमाम राजनीतिक दलों के जो नेता हैं, जिन पर ईडी की कार्रवाई चल रही है, ईडी पर जिनका, ईडी जिन पर शिकंजा कस रही है, उनको कहीं ना कहीं इस आदेश से आने वाले भविष्य में बहुत राहत, बहुत कुछ मिलने की संभावना है। तो आज के वीडियो में इतना ही, आप लोग वीडियो को शेयर करना ना भूलें, हमें सब्सक्राइब करें चौधरी लीगल एसोसिएट पर, और हमारे अन्य यूट्यूब चैनल ऑफिशियल प्रतीक चौधरी, हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक, इन सबको भी आप लोग फॉलो शेयर कर सकते हैं, आईडी जो है आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।